आज हम प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से ही होती है। समाज में ही रहकर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव है। राज्य समाज का एक अंग है, अतः कहा भी जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य जब राज्य में रहता है तब राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती है। राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध का प्रश्न उत्पन्न होता है तथा राज्य को समुचित ढंग से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इन बातों ने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। जब हम इन राजनीति विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करते हैं तब पाते हैं राजनीति विज्ञान एक प्राचीन शास्त्र है। भले ही उसके नाम और उसकी प्रकृति में आज तक अनेक परिवर्तन हुए हैं, व्यवहारवाद के विकास के साथ ही राजनीति विज्ञान के दो रूपों में विभाजित हो गया। पुरातन या परंपरागत राजनीति विज्ञान, समकालीन या आधुनिक राजनीति विज्ञान। पुरातन या परंपरागत राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय उस राजनीति विज्ञान से है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। प्राचीन भारतीय विद्वानों में से दंड नीति कहा है, इनके अनुसार सुव्यवस्थित जन समुदाय ही राज्य था। जो विद्या ऐसे राज्य और शासन दंड का ज्ञान कराता है जिसे दंड नीति कहते हैं। राजनीति विज्ञान को परंपरागत रूप से परिभाषित करने वाले विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विभिन्न रूपों में देखा है। राज्य के अध्ययन के रूप में हम चर्चा करते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान